बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ऑन द डिमांड ऑफ जूली परवीन फ्रॉम बिहार। ये प्रॉब्लम है स्टैटिक्स की, कॉमन कैटनरी चैप्टर से रिलेटेड कॉमन कैटनरी की प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम है ए टेलीग्राफ वायर इज स्ट्रेच बिटवीन टू पोल्स, यानी टेलीग्राफ वायर दो पोल्स दो खंभों के बीच में फैला हुआ है एट डिस्टेंस ए, और उन खंभों के बीच उन पोल्स के बीच की डिस्टेंस ए मीटर है अपार्ट, सेग एन मीटर इन दी मिडल, और जो उसका झोल है उसका जो अभी दिखाएंगे कि सेग जो है वो एन मीटर के बराबर है। प्रूव दैट दी टेंशन एट द एंड्स, मतलब जो सिरे हैं मीन्स जहाँ पोल्स है वहाँ पर उस का जो टेंशन है, यानी जो तार होगा वायर होगा तो वायर का जो टेंशन होगा सिरों पर यानी पोल्स पर जहाँ बना होगा तार वहाँ पर ये है अप्रॉक्सीमेटली W ब्रैकेट में है ए स्क्वायर अपान एट एन प्लस सेवन अपान सिक्स एन। यहाँ पर n सेक को डिनोट कर रहा है और a बता दिया गया था कि ये जो दोनों पोल्स के बीच की डिस्टेंस है वो a है। यहाँ पर करेक्शन था इनके क्वेश्चन में तो d नहीं होगा a होगा। वेयर W इज़ द पर यूनिट लेंथ, मीन्स अगर कोई वायर जो है उसकी लेंथ होगी कुछ और उसका वेट अपना होगा तो एक यूनिट मतलब एक जैसे मीटर ले लें तो एक मीटर लेंथ का जो वेट होगा वो यहाँ पर W से डिनोट है। अगर हम वायर की लेंथ पता हो जाए कि कितनी है वायर की लेंथ तो हम इस पूरे वायर का वेट फाइंड कर सकते हैं उसके लेंथ में, और इसमें एक मीटर का वेट पता ही है तो टोटल वायर का वेट मालूम कर सकते हैं। फिलहाल अभी हमें ये नहीं करना है, हमको तो फाइंड करना है कि जो पोल्स में पोल्स के बीच बने हुए जो वायर्स है उनके जो सिरे होंगे उन सिरों पर कितना टेंशन होगा। और चूंकि हम लोग जानते हैं कि वायर बहुत कस के बने होते हैं फ्रीली यहाँ पर हैंग नहीं करते दो पॉइंट्स के बीच में तो ये कैटेनरी तो नहीं होती, लेकिन ये अप्रोक्सीमेट कैटेनरी होती है, अप्रोक्स कैटेनरी होती है, ये लगभग कैटेनरी होती है, पूरी कैटेनरी नहीं होती है। और यहाँ पर चूँकि इसको बहुत ज़्यादा कस के माना जाता है तो यहाँ पर जो सी की वैल्यू होती है वो हम लोग जानते हैं कि ओरिजिन से जो लोवेस्ट पॉइंट होता है कैपिटल सी ये पॉइंट होता है तो स्मॉल सी जो डिस्टेंस होती है ये डिस्टेंस जो कैटेनरी का पैरामीटर कहलाती है ये बहुत ज़्यादा हो जाती है कैटेनरी के केस में। और ये जो पॉइंट्स है जहाँ पर पोल्स ये पोल्स हैं इन पोल्स में ये वायर को बांधा गया है ए और बी, माना कि ये पोल्स के ये सिरे हैं जहाँ पर हमें टेंशन की वैल्यू को फाइंड करना है। तो हम लोग अगर ये देखें कि इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट पता हो जाए कि कितने हैं तो इसकी लेंथ को इसके ए पॉइंट के टेंशन को फाइंड कर सकते हैं। तो उसके लिए हमको देखना होगा कि इस पॉइंट का ऑर्डिनेट कितना है, क्योंकि किसी भी पॉइंट पर टेंशन अगर हम फाइंड करना चाहते हैं टी की वैल्यू तो इस फार्मूले का यूज़ करेंगे कि यूनिट लेंथ का वेट कितना होता है, जैसे कि बताया जा चुका है कि स्मॉल ये डब्ल्यू के बराबर है, और उसमें जिस भी पॉइंट पर हम निकालने टेंशन उस पॉइंट का ऑर्डिनेट की वैल्यू, और उस ऑर्डिनेट की वैल्यू चूँकि वाई के बराबर है डब्ल्यू इंटू वाई हो जाएगा टेंशन उस पॉइंट पर, चूँकि इस पॉइंट पर हमें निकालना है तो इस पॉइंट का हमें ऑर्डिनेट मीन्स वाई की वैल्यू क्या होगी, क्योंकि ऑरिजिन से यहाँ तक ये डिस्टेंस एक्स होगा ये वैल्यू वाई होगी। अगर हम यहाँ से देखें हम परपेंड इनको ज्वाइन कर दें अगर ए और बी को तो देखेंगे ये डिस्टेंस तो सी होती है कैटेनरी की, और ये जैसे कि अभी बताया कि सेग जो है वो एन मीटर है तो सेग जो होता है वो ये डिस्टेंस से सी तक की डिस्टेंस होती है, यानी ए बी को जो मिलाया हमने तो उस ये वाला पॉइंट और ये एन तक ये सी लोवेस्ट पॉइंट तक की डिस्टेंस एन के बराबर होती है, ये एन हो गया और ये सी दोनों मिल जाएंगे तो इस डिस्टेंस को बनाएंगे और ये डिस्टेंस यानी ए एम डिस्टेंस बनाएंगे, ए एम की वैल्यू हो जाएगी सी प्लस एन के सी प्लस एन के कुल हो जाएगा। तो सी प्लस एन इस पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट हो जाएगा, इसके एक्स कोऑर्डिनेट नहीं मालूम हमको, वाई कोऑर्डिनेट होगा वो सी प्लस एन हो जाएगा। तो यानी सी प्लस एन एन तो गिवन है, सी की वैल्यू कैटेनरी के लिए हम फाइंड कर लें तो हमारे लिए इस पॉइंट पर जो टेंशन है उस
की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। तो मेन जो हमारा फोकस रहेगा वो इस सी की वैल्यू को फाइंड करने पर रहेगा। तो हमारा शुरुआत करेंगे जो गिवन वैल्यू है उससे हम सी को किस तरीके से कनेक्ट करेंगे। तो हमको दे रखा है सेक की वैल्यू दे रखी है, तो इसलिए हम सेक के लिए फार्मूला यूज़ करें। सेक के लिए फार्मूला होता है वाई माइनस सी के इक्वल होता है, और वाई की वैल्यू कॉमन कैटेनरी का जो फार्मूला होता है यानी कार्डिशियन फार्मूला होता है वाई इज इक्वल टू सी कॉस हाइपरबोलिक एक्स अपान सी होता है, और माइनस का सी ये था उसको लिख दिया। सेक इस क्वेश्चन में हमें एन के बराबर दे रखा है, और हम यहाँ से इन दोनों टर्म्स में से अब सी को बाहर ले लेंगे। ये वाई की वैल्यू हम लोग जानते हैं किसी भी कैटेनरी के लिए वाई की वैल्यू जो कार्डिशियन इक्वेशन होता है वो वाई इज इक्वल टू सी कॉस हाइपरबोलिक एक्स अपान सी होता है। इन दोनों में से सी कॉमन लिया तो हमारे पास कॉस हाइपरबोलिक एक्स अपान सी और माइनस का वन बचा हुआ है, और यहाँ पर हम कॉस का एक्सपेंशन लिख सकते हैं। कॉस का एक्सपेंशन हम लोगों को पता होता है इसके सारे टर्म पॉजिटिव होते हैं, और इसकी शुरुआत होती है वन से शुरुआत होती है, और इसकी एक एक पावर जो है वो सॉरी दो दो पावर बढ़ती जाएगी। इवन नंबर होते हैं और फैक्टोरियल में भी आएगा इवन में, यानी वन अपन फैक्टोरियल टू, जितना फैक्टोरियल में लिखा होगा उतने ही यहाँ पर इस कॉस के हाइपरबोलिक मतलब जिसका ये फंक्शन है एक्स अपान सी, तो उसका पावर भी उतनी होगी। फैक्टोरियल टू है तो टू पावर होगी, इसके बाद इवन आएगा फोर, तो फोर इसकी अगली एक्स अपान सी की पावर भी फोर होगी। इस तरीके से इसमें नंबर ऑफ टर्म इनफाइनाइट होते हैं। लास्ट वाला जो टर्म है माइनस वन इससे अलग है एक्सपेंशन से जो पहले से चल रहा वो है, तो माइनस वन प्लस वन ये कैंसिल हो जाएगा। अब सीरीज़ में जो हमारे पास जो टर्म बचे हुए हैं एन के कुल चल रहा है, तो उसमें से हम सिर्फ इतने ही टर्म लेंगे, दो टर्म ही लेंगे, बाकी को हम अप्रोक्सीमेशन, चूँकि ये सवाल है अप्रोक्सीमेशन का यानी लगभग में वैल्यू पहुँची जा रही है, तो हम कुछ टर्म को इसलिए एलिमिनेट यहाँ पर कर देंगे, छोड़ देंगे, क्योंकि इनकी वैल्यू बहुत छोटी होगी, कम होगी, क्योंकि सी की वैल्यू जैसे शुरुआत में बताया जा चुका है इस ये तारों को बांधा जाता है कस के, तो सी की वैल्यू ये बढ़ जाती है, सी की वैल्यू बढ़ जाएगी, एक्स की वैल्यू यह है कम होगी, लेकिन सी की वैल्यू इतनी ज़्यादा कि पावर बढ़ती चली जाए, तो अपान में अगर बड़ी वैल्यू होगी तो टोटल टर्म की वैल्यू छोटी हो जाती है, इसी में सी अपान में लिखा हुआ है तो इसलिए इसकी वैल्यू अगर बढ़ेगी तो टोटल टर्म की वैल्यू घट जाएगी, और उसकी पावर अगर बढ़ेगी तो वो टर्म और छोटे होते चले जाएंगे, इतने छोटे कि हम उसे निगलेक्ट कर सकते हैं। इसलिए निगलेक्ट करते हुए हम अब अप्रॉक्सीमेट वैल्यू यहाँ पर लिख रहे हैं, क्योंकि हमें अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ही निकालना है। एक्स स्क्वायर अपान में सी स्क्वायर ही हो जाएगा, होल ऑफ स्क्वायर इसमें हमने यहाँ पर ओपन कर दिया, प्लस एक्स वन अपान इसकी वैल्यू फैक्टोरियल फोर की वैल्यू फोर इंटू थ्री इंटू टू इंटू वन होती है, यानी ये 24 हो जाएगी, एक्स की पावर फोर और सी की पावर फोर हो जाएगी। तो ये हमने यहाँ पर अप्रॉक्सीमेट वैल्यू लिखी है एन की, और ये हम इस पर्टिकुलर केस में इनके बीच की जो डिस्टेंस है इन्होंने बताई थी, टोटल जो डिस्टेंस है वो ए के बराबर बताई थी, इसका मतलब इसके जो मिड पॉइंट है यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस जो होगी वो ए बाई टू डिस्टेंस होगी, और यही इस पॉइंट के लिए एक्स की वैल्यू होगी, और ए बाई टू ये डिस्टेंस होगी, और एक्स पॉइंट के यानी ये एक्स ए पॉइंट के लिए जो एक्स की वैल्यू होगी ए बाई टू होगी। तो इसलिए यहाँ पर हम ए पॉइंट के लिए चूँकि सारा कुछ लिख रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पर एक्स बराबर ए बाई टू हमें डाल देना चाहिए, रख देना चाहिए। तो एन की वैल्यू हो जाएगी सी इंटू वन अपान फैक्टोरियल टू की वैल्यू टू इंटू वन होती है, यानी टू इंटू वन टू हो जाएगा, और एक्स की वैल्यू हमें लिखनी है ए अपान टू, इसका होल ऑफ स्क्वायर है अपान सी स्क्वायर, ये पहले से चल रहा है, प्लस वन अपान 24 इंटू ए अपान टू की पावर फोर करना है, अपान सी की पावर फोर है, इसको कैलकुलेट करके हमें वैल्यू निकालनी है, एक सी की वैल्यू अप्रॉक्सीमेट सी की वैल्यू हमको यहाँ पर निकालना होगी। इसे थोड़ा सा कैलकुलेट करना होगा, इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे और सी का अंदर मल्टीप्लाई भी कर देंगे, दोनों टर्म में सी का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, और एन की वैल्यू यहाँ पर चल रही है, कैलकुलेट इसको लिखते हुए कैलकुलेट करते हुए चलेंगे, एन इज इक्वल टू यहाँ पर आ गया सी अपान टू, और ऊपर जो ए बाई टू इसका स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर बाई फोर आ जाएगा, और पहले से यहाँ पर सी स्क्वायर यहाँ पर हमारा चल रहा था वो लिखेंगे, प्लस अगला टर्म है, और बाहर से सी का मल्टीप्लिकेशन वो हम यहाँ पर दिखा रहे हैं, और ए की पावर फोर है वो कर दिया यहाँ पर, और टू की पावर फोर जो होगा वो 16 हो जाएगा, और पहले से 24 का मल्टीप्लाई चल रहा है, और सी की पावर फोर भी यहाँ पर है। तो ये पावर
सी की एक एक पावर यहाँ से हम कैंसिल कर देंगे तो एन की वैल्यू हो जाएगी ए स्क्वायर अपन ये यहाँ पर 2 × 4 ये 8 हो जाएगा और सी ये बचा हुआ है एक पावर प्लस का सी की एक पावर कैंसिल हो जाएगी, यहाँ पर 3 पावर बचेगी, ए की पावर 4 है और ये टर्म यहाँ पर 16 और 24 यस इसको लिखेंगे और सी की पावर एक कैंसिल हो जाएगी, 3 पावर बचेगी, तो यहाँ पर हमने उसको लिखा है। तो अब हम यहाँ पर फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन लेंगे, तो क्योंकि हमें अप्रॉक्सीमेट वैल्यू निकालना है, कहने को तो ये मैथमेटिक्स क्वेश्चन है लेकिन मैथमेटिक्स में बिल्कुल एग्जैक्ट होता है, यहाँ पर हमारा अप्रॉक्सीमेशन जो है वो लेना पड़ रहा है और आंसर को मैच कराने के लिए ये अप्रॉक्सीमेशन हमें समझ लीजिए कि याद करना हो जाएंगे कि कहाँ तक लेंगे, अप्रॉक्सीमेशन 2 टर्म का 3 टर्म का कुछ भी हो सकता है, तो इसलिए थोड़ी अलग से इस क्वेश्चन के लिए मेहनत करने पड़ेगी अगर हम आंसर को मैच कराना चाहते हैं। तो ये कई बार लगाएंगे तो प्रैक्टिस में आ जाएगा। तो जब हम फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन देंगे तो इस टर्म को छोड़ देंगे क्योंकि आपको मालूम है सी की वैल्यू बड़ी होती है इसमें और सी की पावर जब करेंगे तो और बड़ी हो जाएगी, अपान में जो होगी तो इस टर्म को छोटा कर देगी, इतना छोटा इसे निगलेक्ट कर देंगे तो एन की वैल्यू हो जाएगी ए स्क्वायर अपान 8 सी हो जाएगी। तो यहाँ से हम सी की वैल्यू को निकाल सकते हैं, सी को उधर ट्रांसपोज कर दें और एन को इधर ले आएंगे तो सी बराबर हो जाएगा ए स्क्वायर अपान में 8 एन हो जाएगा। जो अभी वैल्यू आई है इस इक्वेशन नंबर 1 डाल दें क्योंकि अब हम यहीं से सी की वैल्यू निकालेंगे, क्योंकि इस जो सी की वैल्यू अभी आई है इस वैल्यू को उठा के हम वहाँ पर पुट कर देंगे और वहाँ से सी की वैल्यू को निकालेंगे। तो अब इक्वेशन नंबर 1 में इसी सी की वैल्यू को पुट कर देंगे तो लेफ्ट में एन है और राइट में है ए स्क्वायर अपान 8 सी, यहाँ पर सी की वैल्यू नहीं रखेंगे लेकिन अगला जो टर्म है वहाँ पर हम सी की वैल्यू को पुट कर देंगे और सी की वैल्यू ये है ए स्क्वायर अपान 8 एन है और उसका हमें क्यूब करना है, 3 पावर करनी है और यहाँ से हमें एन की वैल्यू को फाइंड करना है। अब हमें थोड़ा सा इसमें कैलकुलेशन करना पड़ेगा, तो कैलकुलेशन करने के बाद देखते हैं कि इसकी वैल्यू सॉल्व होने के बाद कितनी आती है। तो एन इज इक्वल टू ए स्क्वायर अपान 8 सी और प्लस का साइन है तो इस प्लस के साइन को लगाने के बाद कुछ कैलकुलेशन करना पड़ेगा, यानी ए की पावर देखेंगे 4 और 16 × 24 देखेंगे, ए की पावर यहाँ पर ए की पावर हो जाएगी 6 और 8 एन की पावर 3 होगी तो 8 को 3 बार यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं और एन की पावर 3 लिख देना है। अब कैलकुलेशन कर लें ऊपर नीचे काट के, तो 8 से जब 16 कटेगा तो 2 बार हो जाएगा कैंसिल और 2 से फिर 8 को कैंसिल कर देंगे, ये 4 टाइम्स हो जाएगा, 4 को इससे 24 को काटेंगे 6 टाइम हो जाएगा और इसको 2 से काटेंगे तो 3 आ जाएगा, इसको 2 से काटेंगे तो 4 आ जाएगा, यानी ऊपर 4 बचा है नीचे 3 बचा है, तो हमारे पास बचा हुआ है एन की वैल्यू आ गई ए स्क्वायर अपान 8 सी और प्लस यहाँ पर 4 है ऊपर न्यूमरेटर में और एन की पावर यहाँ पर 3 है और देखिए इधर 3 बचा हुआ है सिर्फ और ए की पावर 6 में से 4 माइनस करेंगे तो ए की पावर 2 आ जाएगी। अब यहाँ से हम सी की वैल्यू को फाइंड करेंगे तो इस टर्म को तो इस तरह रखें, इस टर्म को उधर ले जाएंगे तो ए स्क्वायर अपान 8 सी को लिख दिया हमने लेफ्ट हैंड साइड, लेकिन इस एक्चुअल में ये टर्म ही इस एन के साथ जा रहा है तो उधर जाके ये टर्म माइनस हो जाएगा, 4 एन क्यूब अपान 3 ए स्क्वायर आ गया। अब यहाँ पर हम जो है सी की वैल्यू को फाइंड करने के लिए सबसे पहले तो इसमें एन को कॉमन दोनों टर्म्स में से एन को कॉमन ले लेंगे, तो एन को जब इसमें से हम कॉमन ले रहे हैं तो 1 − 4 एन स्क्वायर अपान 3 ए स्क्वायर हो गया, ए स्क्वायर अपान 8 सी है जी, और इसको जब रेसिप्रोकल लेंगे पलटेंगे क्योंकि हमें सी की वैल्यू चाहिए तो ये ऊपर पहुंचेगा 8 सी और ए स्क्वायर नीचे आ जाएगा, ऐसे ही 1 भी अपान में आ जाएगा तो 1 अपान n हो जाएगा, इस टर्म को भी पलटेंगे तो इसकी पावर अभी तो +1 है तो ऊपर जाके माइनस, जब पलटेंगे तो पावर -1 होगी, इसको जब पलटेंगे यानी 1 अपान 1 करके इसको पलटा है तो ये नीचे जाएगा और ये भी नीचे जाएगा, लेकिन जब उसको ऊपर ले जाएगी तो पावर इसकी माइनस हो जाएगी, तो 1 − 4 एन स्क्वायर अपान 3 ए स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पर बाइनोमियल थ्योरम लगा देंगे, जैसे कि हम लोग जानते हैं बाइनोमियल थ्योरम
का स्पेशल केस वन माइनस एक्स की बार माइनस वन इस यही केस बन रहा है, यहाँ एक्स की बार पर इतना है, तो इसका एक्सपेंशन जब करते हैं तो वन प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एंड सोन ये टर्म आते हैं। तो हमें चूँकि अप्रॉक्सीमेशन लेना है तो ज़्यादा टर्म नहीं रही, हम सिर्फ इन दो टर्म्स को ही यहाँ पर लिख रहे हैं। जो ऐसे भी ऐसे बहुत सारी फिजिक्स में प्रॉब्लम सॉल्व की होंगी आपने अप्रॉक्सीमेशन में, तो बस इसमें दो टर्म ही लिया करते हैं, तो इसमें दो टर्म ले लेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड में हमारा चल रहा है उसको लिखना है 8c अपान ए क्यू, और राइट हैंड साइड में 1 अपान एन बाहर था, और दो टर्म लिखने को बोला था हमने 1 प्लस का 4n स्क्वायर अपान 3a स्क्वायर। तो यहाँ से अब हम c की वैल्यू निकालने के काबिल हो गए, तो c की वैल्यू हो जाएगी, इसको ट्रांसपोज कर देंगे बाकी टर्म को, ए स्क्वायर ए यहाँ पर लेफ्ट में था, ए स्क्वायर था, ए स्क्वायर जब उधर पहुँचेगा तो ए स्क्वायर का दें इंटू हो जाएगा, और 8 इधर आ जाएंगे, और n पहले से मौजूद है यहाँ पर, और ब्रैकेट में चल रहा था 1 प्लस 4n² अपान 3a स्क्वायर, और फिर इस ब्रैकेट को ओपन करके इस का मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, जब इधर इंटू करेंगे तो ए स्क्वायर अपान में हो जाएगा 8n आ जाएगा, और जब इसका इंटू यानी ए स्क्वायर अपान 8n का मल्टीप्लिकेशन 4n² अपान 3a स्क्वायर में करेंगे तो ए स्क्वायर कम्प्लीटली कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर 4 कैंसिल कर देगा 8 को, 2 टाइम्स में कैंसिल कर रहा है यहाँ पर, और इसी के साथ एन स्क्वायर एक पावर एन की कैंसिल, एन की एक पावर यहाँ से कैंसिल हो जाएगी, तो सी की वैल्यू आ गई। लेफ्ट फर्स्ट टर्म है ए स्क्वायर अपान 8n है, प्लस सेकंड टर्म के लिए देखेंगे यहाँ पर ऊपर सिर्फ एक एन की पावर बची हुई है, नीचे 2 और 3 का इंटू हो के ये वैल्यू 6 आ गई है, सी की इतनी वैल्यू आ गई। जैसे कि हमने पहले बताया था किसी भी पॉइंट पर टेंसर अगर फाइंड करना हो तो उस पॉइंट के अगर वाई कोऑर्डिनेट पता है तो उसमें यानी जो हमें वेट दे रखा है वेट पर यूनिट लेंथ का मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, वेट पर यूनिट लेंथ डब्ल्यू दे रखा है इसमें मल्टीप्लिकेशन कर देंगे जो वाई कोऑर्डिनेट होगा जिस पॉइंट पर हमें टेंशन निकालना है, क्योंकि हमें निकालना है इंट्स पॉइंट पर निकालना है, हमें पोल्स पर निकालना है, पोल के जो सिरे हैं ऊपरी वाले वहाँ पर निकालना है, तो वहाँ के लिए भी फिगर हमने दिखाया था कि वहाँ पर इसमें y की वैल्यू c प्लस n के इक्वल हो जाएगी, c तो यहाँ पर y की जगह पर हम लोग यहाँ रख देंगे c प्लस n के इक्वल रख देंगे, और चूँकि n तो फिक्स कांस्टेंट है c की वैल्यू अपनी ये वाली रख देंगे, c की वैल्यू अभी ऊपर आई है, ये वैल्यू रखेंगे जो है ए स्क्वायर अपान 8n है प्लस n अपान 6 है प्लस n और मौजूद है यहाँ पर, इनको इस n के साथ में कनेक्ट कर दें यानी जोड़ देंगे, तो जोड़ने के बाद ए स्क्वायर अपान 8n ये तो आ रहा है, और इसको जब एलसीएम लेके 6 एलसीएम लेंगे तो उससे इंटू करेंगे n प्लस का 6n हो जाएगा, तो फोर डब्लू टी बराबर यानी ये टेंशन जो कि इन्होंने पूछा था रिक्वायर टेंशन आ चुका है ए स्क्वायर अपान 8n प्लस 7n हो जाएगा 7 अपान 6, यही मैं प्रूव करना था। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग मी, वाकरुद्दावाना अलहमदुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।